बहुत समय पहले की बात है, एक झील में एक सारस रहा करता था। सारस के खाने के लिए झील में बहुत सारी मछलियां भी थी, इसीलिए उसकी जिंदगी खुशी से कट रही थी। साल बीतते गए, सारस बूढ़ा हो गया। अब उससे मछलियां आसानी से नहीं पकड़ी जाती थी। वह कमजोर और पतला हो रहा था। अगर ऐसा ही रहा तो वह सोचने लगा कि वह जरूर मर जाएगा। वह यह सोचकर डरता था कि उसे अब भूखा रहना पड़ेगा। तभी उसने एक योजना बनाई। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए वह झील के किनारे उदास होकर बैठ जाता है। मछलियां और मेंढक उसके पास से तैरते हुए जाते थे, पर वह उन्हें नहीं पकड़ता था। झील के सभी जीव घबरा गए कि सारस के साथ क्या हुआ। तभी एक मेंढक बोला, मिस्टर सारस, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? अब मुझे पकड़ के दिखाओ। सारस कहता है, नहीं मेरे बेटे, अपने उदास सर को हिलाते हुए। समय बदल रहा है, इस वजह से मैं उदास हूँ। मेरी सारी जिंदगी मेंढक, मछलियाँ और केकड़े खाते हुए बीत गई, पर अब मेरा अंत आ गया है। मेंढक पूछता है, क्यों सारस जी? सारस कहता, मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना है कि यह झील खाली होगी और फिर मिट्टी से भरी जाएगी और ये सब्जियां उगाने के काम में आएंगी। अगर यह हुआ तो मछलियों, मेंढकों और केकड़ों का क्या होगा और मैं भी मर जाऊंगा। और यह बोलते हुए वो बहुत जोर से रो पड़ा। मेंढक यह बुरी खबर सबको बताने पहुंचा। सब इसको सुनकर घबरा गए। अब हम क्या करें? चलो सारस जी के पास चलते हैं, वे ही सबसे बुजुर्ग हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सब राजी हो जाते हैं। रोते हुए सब जीव सारस के पास जाते हैं और कहते हैं, कृपया हमारी रक्षा करो, हम मरना नहीं चाहते, बस आप ही हमें बचा सकते हैं। सारस हंसता है कि कितने बेवकूफ जीव हैं, अब मैं कभी भूखा नहीं मरूंगा। सारस कहता है, मैं आप सबको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं एक और झील जानता हूं। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आप सबको वहां ले जाऊंगा। तभी सबने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। शांत रहो, सारस ने कहा, मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ, मैं एक बार में एक को ही ले जा सकता हूँ। पहले मैं मछलियों को लेके जाऊंगा। सारस सोचता है, मेरी योजना सफल हो गई। वह जल्दी से मछली को अपने चोंच में दबाकर उड़ जाता है। थोड़ी दूर तक उड़ने के बाद एक चट्टान पर उतरकर वह मछली को मारकर खा जाता है। समय खुशी से बीतता रहता है। जब भी सारस को भूख लगती, वह मछली को उठाकर झील पार कराने के लिए ले जाता। थोड़ी दूर पर ले जाकर उनको अपना भोजन बना लेता। एक दिन एक केकड़ा सारस से बोला, यह अच्छी बात नहीं है, आप हमेशा मछलियों को ही ले जाते हैं और रोज उन्हें झील पार कराते हैं। सारस सोचता है, यह मेरे लिए बदलाव है, चलो आज दोपहर में केकड़ा खाऊंगा। सारस कहता है, ठीक है, आज मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सारस केकड़े को अपनी चोंच में दबा लेता है और उड़ जाता है। वह काफी दूर तक उड़ता रहता है, पर केकड़े को कोई झील नजर नहीं आती। सारस धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करता है और तभी केकड़े को सच का पता चल जाता है। केकड़ा गुस्से से सोचता है कि यह सारस की चाल है, उसने हमें धोखा दिया और एक एक करके हमें खा रहा था, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। केकड़ा उसकी गर्दन जोर से दबा देता है। सारस चिल्लाता है, छोड़ो मुझे, लेकिन केकड़ा सारस की गर्दन नहीं छोड़ता और इस तरह सारस का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है। तभी सभी जीव पूछते हैं कि तुमने सारस को क्यों मार डाला। तब केकड़े ने गुस्से में कहा कि सारस एक झूठा था, उसने बड़ी चालाकी से मछलियों, केकड़ों और मेंढकों को मारने के लिए जाल बनाया था। वो हमारी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि एक एक करके हमें चट्टान पर ले जाकर खा जाता था, और मैंने उसे मार कर उसके बुरे कामों का अंत कर दिया। केकड़े की सारी बात सुनकर सभी जीव बहुत खुश होते हैं और केकड़े की बहुत प्रशंसा करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है।